पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे क्या फेस आइसिंग के बाद चेहरे पर सीरम लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लोग खूबसूरत दिखने के लिए आजकल तरह तरह के नुस्खे आजमाते हैं। कुछ लोग ग्लोइंग स्किन पाने के लिए त्वचा पर बर्फ लगाते हैं। चेहरे पर बर्फ की मसाज करने से एक्ने, सनबर्न और चेहरे पर होने वाली सूजन से राहत मिलती है, लेकिन कई बार इसे चेहरे पर सीधा लगाना नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या चेहरे पर बर्फ लगाने के बाद सीरम लगा सकते हैं या नहीं। बर्फ के बाद सीरम लगाएं या नहीं, अगर आप चेहरे पर बर्फ लगा रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो इसके बाद सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीरम लगाने से त्वचा को कई तरीकों से फायदा मिल सकता है। इसे लगाने से त्वचा मॉइस्चराइज होती है, साथ ही चेहरे का रूखापन भी कम होता है, जिससे चेहरे फ्रेश और ग्लोइंग दिखाई देते हैं। गर्मियों के दौरान इसे लगाने से चेहरे को ठंडक मिलती है। अगर आप चेहरे पर बर्फ रगड़ रहे हैं तो इसके लिए बर्फ को किसी सूती कपड़े से बांध लें और इसे हल्के हाथों से चेहरे पर रगड़ें। बर्फ के बाद सीरम लगाने के फायदे। चेहरे पर बर्फ लगाने के बाद विटामिन सी सीरम लगाने से त्वचा को फायदे मिलते हैं। इसे लगाने से त्वचा मुलायम और चमकदार बनती है। सीरम त्वचा पर अवशोषित होकर के त्वचा को हाइड्रेट करने में मदद करता है, साथ ही एक्ने होने से भी बचाता है। सीरम त्वचा के कोलेजन को बढ़ाने के साथ ही त्वचा में कसाव लाकर झुर्रियों को भी ठीक करने में मदद करता है। ये फ्री रेडिकल से छुटकारा दिलाने के साथ त्वचा को डैमेज होने से भी बचाता है। त्वचा पर बर्फ लगाते समय आपको ये सावधानियां बरतनी है, इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो ऐसे में बर्फ लगाने से बचें। इसे ज्यादा लगाने से कई बार स्किन रैशेस के साथ ही ड्राई स्किन की समस्या भी हो सकती है। इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से त्वचा की कोशिकाओं को भी क्षति पहुंच सकती है। अगर आप बर्फ को सीधा चेहरे पर लगाते हैं तो ऐसा करने से बचें। किसी कपड़े में लेकर के, कॉटन के कपड़े में लेकर के आप अपने चेहरे की मसाज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।